मासेस हैं, दो पार्टिकल के इक्वल मासेस हैं और एक की वेलोसिटी यू आई कैप है और दूसरी की वेलोसिटी ये गिवन है, दे कोलाइड कम्प्लीटली इन इलास्टिकली, मतलब दोनों चिपक जाएंगे, तो एनर्जी लॉस्ट इन दी प्रोसेस क्या है? एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों चिपकेंगे तो इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहला पार्टिकल एम है, इसकी वेलोसिटी क्या है? यू है, या यू वेक्टर में लिखो, यू आई कैप है, वेक्टर फॉर्म चल रहा है ना। दूसरा पार्टिकल भी एम है और जिसकी वेलोसिटी क्या है? यू इंटू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई टू है। दोनों चिपक गए, टोटल मास 2m हो गया। कॉमन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आई कैप जे कैप चल रहा है, वी सी नहीं लिख सकते, वी सी वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो वी सी वेक्टर। तो एक काम करो, सबसे पहले वी सी वेक्टर निकालो, आई कैप जे कैप में आएगा। फिर एक काम करना, वी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, पहले चेक करो और मैग्नीट्यूड निकालो क्या आ रहा है। एम सेम है, तो पहले आप कॉमन वेलोसिटी निकाल लें इनकी वेक्टर फॉर्म में और फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो निकाल लें जरा इसमें आंसर क्या आ रहा है। चेक कर दो, चेक करें, यहां से वी सी वेक्टर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो वी सी वेक्टर आपके पास, चेक करो, ये आ रहा है वी सी वेक्टर, ये आ रहा है कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी ये आएगी और फिर इसका अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर ये आएगा, तो ये आएगी कॉमन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेक करो ये आएगा। तो ये कॉमन वेलोसिटी आ गई, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एनर्जी लॉस्ट इन दी प्रोसेस। अब एनर्जी लॉस्ट में काम करना पड़ेगा, टक्कर से पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या है? यू, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ यू बाई टू का स्क्वायर प्लस यू बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि जब ओपन करेंगे आई और जे के कोफिशियंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? इनिशियल आएगी हाफ एम इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस हाफ एम इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यू स्क्वायर बाय फोर प्लस यू स्क्वायर बाय फोर का स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल होगी हाफ इंटू एम इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, और कॉमन वेलोसिटी अभी आपने निकाल ली, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे? डिफरेंस, वही आपका लॉस माना जाएगा, चेक कर लो आंसर आएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्लियर है ना, दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड है आपके पास, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, फाइनल तो आ ही जाएगी इसमें वी सी, फिर दोनों को माइनस करके आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये आपके पास सॉल्व करके इनिशियल एनर्जी आ जाएगी, हियर ही इनिशियल, ये आपके पास फाइनल एनर्जी में याद रखना मास 2m लेना है और इंटू वी कॉमन का स्क्वायर, मैंने गलती से शायद m लिख लिया था, 2m लेना है, तो मास इसमें 2m लेना है क्योंकि फाइनल में मास 2m होगा, और ये एनर्जी आएगी और दोनों को फिर क्या कर लेना है? माइनस आंसर।
कि फाइनल में दोनों बॉडीज आपस में चिपक गई हैं, तो मास 2m होगा। ठीक है यहाँ तक मेथड समझ में आ रहा है, करना क्या है, तो इसको लगाना है और ट्रांसफर निकालना है। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, 168। देखो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ u फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ पाई बाई थ्री, मतलब 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। व्हेन इट हैज़ रीच द मैक्सिमम हाइट इट कोलाइड्स कम्प्लीटली इन इलास्टिकली, मतलब चिपक जाएंगे विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड वेलोसिटी u i वेक्टर। तो एक्स एक्सिस में कोई टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल जा रहा था, उसके साथ ही कोलाइड करके चिपक गया। तो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया दोनों ने चिपकने के बाद, ये क्वेश्चन है। देखो इसको ऐसे समझाता हूँ डायग्राम के साथ। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि ये लो, ये आपके सामने सपोज एक पार्टिकल है ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो एक पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्टाइल की तरह गया और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यू से प्रोजेक्ट किया। तो मुझे सिर्फ ये बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पर टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी है कितनी, यू इंटू कॉस ऑफ 60। कोई डाउट इसमें? इस पार्टिकल का मास एम है तो मोमेंटम कितना है, एम इंटू यू कॉस 60। बस अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो कह रहा है कि एक और पार्टिकल था रेड कलर का, ये रहा, जो मूव कर रहा था यू आई कैप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यू आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यू वेलोसिटी थी उसकी भी, रेड कलर का पार्टिकल, इसका मास भी क्या था, एम। ये चिपक गए, चिपकने का मतलब नया मास क्या बन गया, 2m। तो अब केस कुछ ऐसा हो गया, नया मास कितना हो गया 2m और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी सी, सब कुछ हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम सेम। टक्कर से पहले मोमेंटम कितना है, एम यू प्लस एम इंटू यू कॉस 60 और टक्कर के बाद कितने हैं, 2m इंटू वी सी। पहले काम करो जरा, वी सी निकालना कितना आ रहा है, वी सी कितना आ रहा है, थ्री यू बाई फोर, 3u/4, बिल्कुल ठीक। ठीक तो ये आपके पास क्या आ गया, वी सी 3u/4, और ये सब कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे हो रहा है, एच पे, एच एम मैक्सिमम हाइट पे हो रहा है। अब नया क्वेश्चन तैयार हो गया प्रोजेक्टाइल का, कैसे? अब नया क्वेश्चन है कि टॉप मोस्ट पॉइंट से प्रोजेक्टाइल चल पड़ा विद अ वेलोसिटी ऑफ 3u/4 और अब वो कहाँ गिरने वाला है, नीचे। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है एक्स में क्या होगा, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल चला था तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या थी, जीरो। तो वाई एक्सिस से पहले आप टाइम निकाल सकते हो इसका, वाई एक्सिस से एच इज इक्वल टू 0 + ½ × gt² तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आएगी, √2hg। वैसे इसकी बजाय एक और भी शॉर्टकट है, टाइम ऑफ डिसेंट लगा दो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे गिरने के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, तो भी सेम आंसर आएगा, इतने टाइम में नीचे गिरेगा। और आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स एक्सिस में आप इक्वेशन लगा दो एस इज इक्वल टू वी टी, एक्स आपको निकालना है, वेलोसिटी कॉमन आपको पता है 3u/4, टाइम आपको पता है 2h/g, मैक्सिमम हाइट आपको पता है u² sin² 60/2g। पुट कर लें और
आंसर मार्क कर लें क्या आंसर है। इसे सॉल्व करें, आपको टॉप मोस्ट पॉइंट से x की दूरी निकालनी है, तो x इक्वल टू vt से चेक करें ऑप्शन क्या आ रहा है एबीसीडी में से। कितना आंसर आ रहा है? बी इसका आंसर आ रहा है। और किसका आया? एक मिनट आंसर चेक कर दूं। इसका आंसर है 3√3 वाला है, बी है, राइट। तो सॉल्व करो, आंसर बी आना चाहिए। भी आ गया। ठीक है, यहां तक इसका आंसर बी आ जाएगा सॉल्व करके। बहुत टाइम दे दिया यार, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन है, बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट क्या आंसर है? एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 2 kg है, और वो किसी वेलोसिटी से मूव करी, और कौन सी कोलिजन है? इलास्टिक। और सेकेंड बॉडी है और किस पे पड़ी हुई है? एट रेस्ट, यू टू जीरो। और फिर टक्कर के बाद 2 kg की बॉडी कॉन्टिन्यूज टू मूव स्ट्रेट विद 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी। ये क्या गिवन है? v1। ये क्या गिवन है? u1। तो v1 आपको गिवन है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। वॉट इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, 1D इलास्टिक कोलिजन है, तो सीधा v1 का फॉर्मूला यूज कर लो। तो v1 का फॉर्मूला यूज कर लेना, m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 into u2 by m1 plus m2 u2। तो जीरो ही है। v1 का मतलब यहाँ पर क्या है? u/4। M1 का मतलब क्या है? 2। M2 मुझे निकालना है, 2 प्लस M2 मुझे निकालना है। U1 का मतलब है यहाँ पर कितना? U। तो U से U क्या हो गया? कैंसल। M2 निकाल लेना, 1.2 kg आंसर आएगा। चेक कर लो, ये तो NCERT फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। आगे आंसर 1.2 सही है, 1.2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले पहले, क्या क्वेश्चन है? सी, तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल एम है जिसकी स्पीड कितनी है, 2v है, इसकी टक्कर लग रही है एक और पार्टिकल से जिसका मास कितना है, 2m है, जो रेस्ट पे नहीं है, जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी है, इनकी टक्कर हो गई। जो पहला पार्टिकल है आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट मास क्या है, स्टॉप, वो तो रुकी गया, दूसरा मास बचा 2m, 2m टूट गया दो हिस्सों में, m और m, और दोनों के दोनों चले गए एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपको बताना है उन दो पार्टिकल की स्पीड क्या है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये m पार्टिकल आया विद अ वेलोसिटी ऑफ 2v, 2m मूव कर रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ v, m तो रुक गया, 2m टूट गया, m और m 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ v डैश। कोई बोला इनकी वेलोसिटी आपको कैसे पता लगा कि सेम होगी, क्योंकि मास भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, तो वेलोसिटी भी बराबर ही होगी, सिमेट्री है ना। हाँ, एक एंगल कम ज़्यादा होता तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो जानबूझ के 45 45 पे बनाए। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एम वी डैश, इसका मोमेंटम क्या होगा टक्कर के बाद, एम वी डैश, इस एम वी डैश का कॉम्पोनेंट होगा एम वी डैश कॉस ऑफ 45, और इधर क्या होगा, एम वी डैश साइन ऑफ 45। ऐसे इसका क्या होगा, एम वी डैश कॉस ऑफ 45, इधर क्या होगा, एम वी डैश साइन ऑफ 45। ये तो कैंसिल ही हो गया। अब क्या करना है, x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करते हैं, x के अलोंग टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है, m इंटू 2v, और सेकेंड पार्टिकल का क्या है, 2m इंटू v, m1v1 m2v2। कोलिजन के बाद पहले पार्टिकल का क्या है, एम वी डैश कॉस ऑफ 45, और दूसरे का भी क्या है, एग्जैक्टली सेम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और चेक कर लो v डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, आंसर सी आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसे? ठीक है यहाँ तक? मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो यहाँ से सॉल्व करके बी डैश आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये लो, मोमेंटम है, मोमेंटम है, 2d कर दी पूरी, कैसे? इसका हिंट ये है, एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, टक्कर के बाद ये यहाँ जा रहा है, टक्कर के बाद ये यहाँ जा रहा है, टक्कर के बाद की वेलोसिटी निकालनी है v1 v2 क्या है। हिंट देता हूँ, ये मोमेंटम निकाल लो इसका, इस तरफ ले जाओ पूरा वेक्टर इस तरफ, क्या मतलब, ये जो भी मोमेंटम कितना, 10 × m मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है, और अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल भी कितना है, 30 डिग्री है। इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, 10m कॉस ऑफ 30, यहाँ पर 10m इंटू साइन ऑफ 30। फिर ऐसे इस मोमेंटम के दो कॉम्पोनेंट्स निकाल लो एक्स और वाई में, इसके निकालो और इसके निकालो। तो अब चार वेक्टर है, हर के दो दो कंपोनेंट निकलेंगे एक्स में वाई में, एक्स में 8 कंपोनेंट निकलेंगे, 4 एक्स में और 4 वाई में। तो पहले एक्स के अलोंग टक्कर से पहले मोमेंटम इक्वल करो, फिर वाई के अलोंग टक्कर के पहले और बाद मोमेंटम इक्वल करो, आंसर आ जाएगा। तो आपको सारी गेम है कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक ही फिगर में इतने सारे वेक्टर बनाएंगे, आप खुद ही उलझ जाएंगे कि कैसे करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप मेरा तरीका यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ करके, फिर तो बिल्कुल ही उलझ जाएंगे, बहुत बेकार डायग्राम बनेगा, करके देख लें। तो आप ऐसा ना करें, आप मोमेंटम के कंपोनेंट्स ऐसे बनाएं जैसे मैं बना रहा हूँ, इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला मोमेंटम है, ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो पहला मोमेंटम वेक्टर कितना है, 10m मास इंटू वेलोसिटी, इसका एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ और ऐसे ड्रॉ करें, ये देखो कितना आसान हो गया। एक्स कॉम्पोनेंट अगर ये 30 है तो ये भी कितना है, 30 डिग्री हो गया। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा 10m cos ऑफ 30, और नीचे की तरफ क्या आएगा, 10m sin ऑफ
30, क्लियर है यहाँ तक, कॉम्पोनेंट्स क्लियर है। फिर यहाँ पे ड्रॉ करें, इसकी वेलोसिटी 5 है, मास 2m है, तो मोमेंटम क्या बनेगा फिर से 10m। इसके भी यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, अगर ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा, 45 डिग्री, 10m cos ऑफ 45, और यहाँ पर कितना 10m into sin ऑफ 45, कोई डाउट इसमें। फिर नेक्स्ट वेक्टर ये ले लें, इसका मोमेंटम कितना है 2m into v1, और अगर एंगल्स की बात करते हैं तो ये 30 है तो ये भी कितना है 30 डिग्री है, 2m into v1 into cos ऑफ 30, और एक 2m into v1 into sin ऑफ 30, ऐसे। तो इसमें क्या बनेगा, इसके अंदर ये रहा m into v2, इसके दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, एक इधर और एक नीचे, अगर ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा, एक बनेगा m into v2 into cos ऑफ 45, और एक बनेगा m into v2 into sin ऑफ 45। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो ये आपके पास ऐसे मोमेंटम बन जाएंगे, कोई डाउट इसमें, x y x y x y। अब टक्कर से पहले x के अलोंग मोमेंटम क्या है बताओ, दिस टक्कर से पहले ये रहा, टक्कर से पहले ये रहा, तो x के अलोंग मोमेंटम की इक्वेशन क्या बनने वाली है, 10m cos 30 प्लस 10m cos 45 इक्वल टू, टक्कर के बाद इन दोनों का सम कितना, 2m into v1 into cos of 30 प्लस m into v2 into cos of 45, फर्स्ट इक्वेशन। टक्कर से पहले x का मोमेंटम, टक्कर के बाद x का मोमेंटम विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें। y का मोमेंटम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, पहले x की इक्वेशन लिख लें, मैं y का मोमेंटम लिख रहा हूं। देखो y एक्सिस के अंदर मोमेंटम क्या बनाएंगे, इधर देखना, टक्कर से पहले y का मोमेंटम क्या, ये अब प्रॉब्लम ये नीचे की तरफ है, और टक्कर से पहले इसका मोमेंटम कहां पर है, ऊपर की तरफ है, कहने लगा था। तो टक्कर से पहले क्या लिखेंगे, माइनस 10m साइन ऑफ 30, नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ है, प्लस ये ऊपर की तरफ है, 10m साइन ऑफ 45। अब टक्कर के बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2m into v1 into sin of 30, और नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, m into v2 into sin of 45। स्टेप समझ में आ रहा है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं v1 v2, सॉल्व कर लेना लीनियर इक्वेशंस आंसर, समझ में आ रहा है यहां तक कैसे बनेगा।
करना पड़ेगा। हाँ यार मैंने वेलोसिटीज इसमें मिस की हैं क्या? नहीं हाँ की हैं, तो वी वन वी टू लिया ना मैंने गिरा, मतलब नहीं नहीं इलास्टिक तो 1D में की है ना, वी वन वी टू के फॉर्मूला 2D में चलते ही नहीं है, ये तो 2D है। यही तरीके और कोई तरीका नहीं है बस। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को होमवर्क लिखना है आपने। हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, बस उसमें 5 ब्लॉक्स थे याद करो इकट्ठे, सब चिपकते जा रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं चिपकते जा रहे हैं। तो मैंने हिंट क्या दिया था, तुम इनको मिला लेना, इसको एक बॉडी ले लो 2M, अल्टीमेटली चिपकना ही है सबने, तो एम ने 2M को हिट किया, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ये होमवर्क लिखना, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये उसी का भाई है जो लास्ट टाइम उन्होंने आखिरी क्वेश्चन किया था, मिलता जुलता है, उसे इजी है थोड़ा सा। तुम ना पहले इसका डायग्राम बनाओ अच्छे से। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, एक ना वुड है, एक वुड को ड्रॉप किया जा रहा है, 0.03 kg के वुड है, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं u इज इक्वल टू 0 फ्रॉम अ हाइट ऑफ कितनी 100 मीटर से। अब नीचे से एक बुलेट है, 0.02 kg की बुलेट है, इसको ऊपर फेंक रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। रास्ते में लकड़ नीचे आ रही है, बुलेट ऊपर जा रही है, बुलेट घुस गई लकड़ में और फिर दोनों के दोनों चिपक गए और उछल के ये दोनों कॉम्बिनेशन ऊपर उछल गए। तुम्हें कैसे पता ऊपर उछल के, क्या पता ना उछलते, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच द कॉम्बिनेशन रीचेज अबव द टॉप ऑफ द टावर। टावर से भी ऊपर निकल गए, टक्कर तो रास्ते में हुई थी, इतनी जोर की टक्कर हुई कि टावर से ऊपर निकल गए, तो टावर से कितना ऊपर निकले ये क्वेश्चन है, ये निकालना है। टावर से कितना ऊपर निकले ये क्वेश्चन है। देखो पहले भी कॉमन निकालनी पड़ेगी, बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, पहली चीज ये तो करनी ही पड़ेगी। टक्कर से पहले पहले तुम इस लक्कड़ की वेलोसिटी निकालेंगे वी, टक्कर से पहले तुम इस बुलेट की वेलोसिटी निकालेंगे वी डैश, टक्कर के बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, और कॉमन वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर ही होएगी क्योंकि अल्टीमेटली चिपक के ये दोनों ऊपर ही जाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या निकालना है, इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज निकालनी टक्कर से पहले। अब वेलोसिटीज निकालने का काम तो काइनेमेटिक्स का है, वी इज यू प्लस ए टी, वी इज यू प्लस ए टी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये 100 मीटर का टावर है, यू इज इक्वल टू 0 है और बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं मान लेता हूँ कि इनकी टक्कर पी पॉइंट पे हुई। पी पॉइंट का मतलब है कि मान लो ये डिस्टेंस एच है, तो ये 100 माइनस एच है। ठीक है, हम काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन किया भी करते थे, पहले सुन लो उसके बाद करना, कोई भी रुक जाओ। तो ऊप इस वुडन पोर्शन के लिए एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर, और इस बुलेट के लिए 100 माइनस एच इज 100t माइनस हाफ इंटू gt स्क्वायर। राइट, तो इन्हें ऐड करके हम एच भी निकाल सकते हैं और टी भी निकाल सकते हैं, हमें यह भी पता लग जाएगा टक्कर कहाँ हुई
और हमें यह भी पता लग जाएगा कितने समय पे हुए। पहला तरीका, तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो टाइम ना 1 सेकेंड आ रहा है। यह याद है काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत करते थे कि टक्कर कहाँ हुई और कब हुई, याद आ रहा है? मोशन के अंदर बहुत क्वेश्चंस किए हमने ऐसे, याद आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। तो टाइम आ गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड जब टाइम आया, अब आप लगा सकते हो v u प्लस 80 से इसकी वेलोसिटी, v जीरो प्लस v u प्लस 80 से इसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। पर मैंने टाइम निकालने का तरीका बहुत लंबा अपनाया, मैंने मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, लेकिन आप इसको एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो। मान लो ये लकड़ का पीस नीचे गिरा और ये बुलेट ऊपर गई, टोटल डिस्टेंस दोनों ने मिलके कितना कवर किया, 100। मिलके तो 100 ही कवर किया। और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसकी 100 इसकी 0, ये देखो 100/100, 1 सेकंड में टाइम 1 सेकंड आ गया। इक्वेशन मोशन की बनाई नहीं, सीधा ही आंसर 1 सेकंड। पर मैं उस दिन यह काम करवा नहीं सकता था मोशन में आपको, क्योंकि मोशन के अंदर आपको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आती थी, तो मेरे को 2 इक्वेशन बना के काम करवाना पड़ा, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं है। देखो तो सही, क्या सही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, 1 सेकंड में आंसर आता है। नहीं तो तुम ऐसे कर लो, एच एफ जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से भी टाइम 1 सेकंड आएगा। तो इसने तो मुझे बहुत सही तरीका लगा इसमें, तो टोटल डिस्टेंस 100 है और मिलके रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 100-0 आंसर आ गया 1 सेकंड। चलो कोई बात है, तो मोशन लगा लेना, रिलेटिव वेलोसिटी लगानी कई बार मुश्किल हो जाती है, तो तुम्हारे पास 1 सेकंड में टक्कर हो गई, ये बात तो पक्की हो गई। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसका, अब सोचो इसको छोड़ दो, कुछ नहीं आई है। अब बस अब ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू 0 से चला और यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी निकालनी है और टाइम टेकन कितना है, 1 सेकंड है। तो अगर तुम्हें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है तो अप्लाई कर दो v इज इक्वल टू 0 प्लस 80, तो टक्कर से पहले वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी, 10, सही है। और बुलेट की बात अगर करते हो तो जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, टक्कर से पहले वेलोसिटी वी डैश निकालनी है और टाइम टेकन इसका भी ऊपर पहुंचने का 1 सेकंड है, तो वी डैश इज इक्वल टू 100 100 माइनस 10 इंटू टी, तो वी डैश की वैल्यू भी यहां से कितनी आ जाएगी, 90। तो ऊपर से वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, नीचे से वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, टक्कर से पहले वेलोसिटी आपने निकाल ली, कोई डाउट इसमें? तो आप जरा यहां देख लें, बिफोर ये देखो, देखो लकड़ का पीस जो है, लकड़ के पीस का जो मास है वो कितने, वो है 0.03 kg, बुलेट का मास कितने, 0.02 kg। 0.03 kg टक्कर से पहले यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 10, एरो नीचे का मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बुलेट का मास 0.02, टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 90 ऊपर की तरफ, फिर दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद मास कितना हो गया, 0.05, और कंबाइंड मास नीचे नहीं गिरा, कहाँ गया, ऊपर गया, विद कंबाइंड वेलोसिटी भी। मोमेंटम कंजर्वेशन ले लें, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मान लो, जो मर्जी मान लो कोई फर्क नहीं। तो टक्कर से पहले इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी नेगेटिव, और ये ऊपर की तरफ है तो मोमेंटम पॉजिटिव, ये भी ऊपर की तरफ है तो मोमेंटम पॉजिटिव, तो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी निकलेगी। सबसे पहला काम, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाया, नीचे वाले को पॉजिटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया, और कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम को इक्वेट कर दिया, कोई डाउट इसमें? यहाँ से कॉमन वेलोसिटी आ गई, ठीक है। आंसर वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ से जब कॉमन वेलोसिटी आएगी, तो कॉमन वेलोसिटी आपके पास आ रही है 30, ठीक है यहां तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट है। अब इसमें ये बताओ, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम, ये आपका वुडन है, 0.03 kg का वुड है, ऐसा डायग्राम था, और ये बुलेट है 100 मीटर पर सेकंड से चली और 0.02 kg मास है, इनकी कोलिजन पी पॉइंट पे हुई,
और पी पॉइंट पर कंबाइंड वेलोसिटी इतनी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। करें स्टार्ट क्वेश्चन। अब आपको ये पता है कि इसकी वेलोसिटी अगर 30 है तो ये ऊपर 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 गया होगा, मान लो यहां तक पहुंचा, यहां पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी कॉम्बिनेशन की, जीरो। तो टोटल डिस्टेंस कितने हैं, अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच, जरा एच निकालना कितना आ रहा है, 45 मीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगा ये वाला ये कितना आ गया, 45 मीटर। इसमें छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, तो टोटल 45 आ गया। कोई डाउट इसमें, प्रॉब्लम नहीं 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 प्रॉब्लम ये है मेरे को मेरा डिस्टेंस यहाँ से निकालना ही नहीं है, मेरे को मेरा डिस्टेंस टॉप ऑफ द टावर से निकालना है, ये निकालना है। तो मेरे पास कई तरीके हैं, मैं इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो आंसर आएगा, मैं इस पूरे यहाँ से ये से निकाल देता हूँ, अगर मैं पूरा डिस्टेंस निकाल दूँ, इसमें से ये माइनस कर दूँ और इसमें से ये भी माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचा हुआ डिस्टेंस आएगा। बहुत तरीके हैं, मोशन का प्रॉब्लम है, जैसे मर्जी निकाल लो। जैसे सपोज करो, मैंने कैसे निकाला, नहीं मेरे को ये पता है टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, ये तो मुझे पता है। तो मैंने काम किया कि अगर ये 100 मीटर है और अगर मैं क्या डिस्टेंस निकाल लूँ, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि जब ये बुलेट है, ये बुलेट है, बुलेट यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बस इतना डिस्टेंस। तो मैं ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ अगर मेरे को ये दूरी पता लग जाती है तो फिर इसे और इसे ऐड करके मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूँगा, उसमें से 100 माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे बुलेट का हाइट निकाल सकते हो, बुलेट के लिए लगाओ एच, ये हाइट है एच बुलेट की कितनी, 100 इंटू टाइम माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, चेक करना कितना आ रहा है। अब एक अब कर रहा हूँ, पहले इसे कंप्लीट कर लूँ, तो एच कितना आ रहा है चेक करना सॉल्व करके, 100 में से 5 गया 95 मीटर आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना है 95, ये डिस्टेंस कितना आ चुका है 45। अब जमीन से यहां का डिस्टेंस कितना है 95 प्लस 45, और बिल्डिंग की हाइट क्या है 100, इसमें से 100 को क्या कर दिया माइनस, तो बचा हुआ टावर के ऊपर की हाइट आ गई, आंसर 40 आ रहा है। हाँ, तुम इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, मैंने कहा तुम्हें ये निकालना है तो तुम इसमें से इसे माइनस कर दो, या तुम इसे में से ये माइनस कर दो, तुम कैसे भी कर लो तुम्हारी मर्जी है, जो मेरे को समझ में आया मैंने ऐसे कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे भी कर लो मोशन की प्रॉब्लम है, सारी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। और मेथड समझ में आया कैसे, मैंने ग्राउंड से टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 95 और 45, उसमें से बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर दिया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। सही, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये भी सीधा नहीं है, ये भी थोड़ा सा है, देखो क्या क्वेश्चन है, बनाओ इसका डायग्राम कैसे बनेगा। वैसे ओनली फॉर नॉन मेडिकल है, पर फिर भी मेडिकल वाले बैठ के भी क्या करेंगे, सुन ही लें कैसे करना है, कैलकुलेशन छोड़ दें लेकिन वैसे तो करना ही पड़ेगा। दो तीन क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बाकी तो नॉर्मल है, आप रोज नॉर्मल ही करते हो, देखो दो तीन थोड़े से तो डिफरेंट होएगा ही।
देखो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले आप ये देख लो क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन है एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम समझते हो ना, धागे से बांधा हुआ मास है, ध्यान आगे मास है और लेंथ उसकी एल है। अब वो कह रहा है कि एक बॉब लगा हुआ है स्मॉल एम का और वो आता है और थीटा नॉट एंगल पे मैं उसे छोड़ता हूँ और वो नीचे 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 आता है। जैसे ही वो लोएस्ट पॉइंट पे आता है नीचे एक बड़ा ब्लॉक पड़ा हुआ है कैपिटल एम, उसे टक्कर मारता है, टक्कर मार के बॉब वापस चला जाता है। थीटा नॉट एंगल पे आया था, अब थोड़ा थीटा वन एंगल पे वापस चला गया। आपको बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोलिजन इलास्टिक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो आपको क्या निकालना है, आपको मास बताना है कैपिटल एम क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे किया बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, एम मास आया, थीटा नॉट एंगल पे आया और कैपिटल एम रेस्ट पे पड़ा हुआ है। जो थीटा नॉट पे मास आया उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, हॉरिजॉन्टल नीचे आती मान लो यू वेलोसिटी एक्वायर की। तो अब इन मास की और कैपिटल एम की कोलिजन है, इस वेलोसिटी को यू वन बोल दिया मैंने और इसकी वेलोसिटी रेस्ट पे क्या बोल दिया, यू टू क्या है, जीरो, सही है। और यू की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ जब ये ग्राउंड पे आया बाय एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे, अगर ये हाइट एच है तो यहाँ पर पोटेंशियल है एम जी एच, काइनेटिक जीरो है और यहाँ पर काइनेटिक है हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक पोटेंशियल जीरो है। तो आपको याद होगा ऐसे हम बहुत क्वेश्चंस करते आए हैं, इनको इक्वेट करके एम से एम कैंसिल, यू की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ टू जी एच, ऐसे ही है। तो नीचे वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ टू जी एच, और एच हमें पता है क्या होता है, एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, याद है हमने किया था एच का फॉर्मूला एल माइनस एल कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब इसमें तो कोई मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं है, ये तो नॉर्मल बात ही हो रही है, तो इसलिए मेडिकल वाले जब बोलते हैं नॉन मेडिकल वो हिल जाओ छोड़ यार हमने क्या करना, भाई कॉन्सेप्ट तो वही है, तुमसे सिर्फ अगर यही पूछ लिया यू निकालो तब तो करोगे ही, तो यू निकालना तो आना ही चाहिए। तो यू कैसे आ गया, अंडर रूट ऑफ टू जी एच और एच की जगह क्या पुट कर दिया, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा नॉट। अब टक्कर से पहले इस मास, छोटे मास की ये वेलोसिटी है यू वन और यू टू क्या है, जीरो। टक्कर के बाद इसका तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, पर छोटा एम टकरा के वापस जाना चला जाएगा, जब टकरा के वापस जाएगा तो कितना एंगल पकड़ लेगा, थीटा वन। अब अगर ये एंगल थीटा वन है तो छोटे एम की आने की वेलोसिटी यू वन है तो जाने की वी वन है, तो वी वन की वैल्यू सीधा शॉर्टकट अंडर रूट ऑफ टू जी एल इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा वन हो जाएगा। वहां पर थीटा था, यहां पर थीटा वन हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन यहां भी तो लग सकती है ना, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो जाने की वेलोसिटी में थीटा वन हो जाएगा, मिसप्रिंट है, थीटा वन है, तुम्हें जाने की वेलोसिटी पता लग गई। अब ये वन डी कोलिजन है क्योंकि बिल्कुल जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पर ये एक्स एक्सिस में टक्कर हो रही है और वन डी कोलिजन का शॉर्टकट में आता है वी वन का फॉर्मूला, हमें आता है लिख लिया वी वन के फॉर्मूले में यू टू को क्या पुट कर दिया, जीरो, यू वन को क्या पुट कर लिया, यू, और वी वन को वी, सही है। वी तुम निकाल चुके हो, वी वन तुम निकाल चुके हो, यहां पुट कर दो, यू तुम निकाल चुके हो, यहां पुट कर दो। तो मैंने वी की जगह ये पुट कर लिया थीटा वन के साथ और यू की जगह थीटा नॉट के साथ। तो यहां तक क्लियर है, एक मास छोटा एम है, एक मास बड़ा एम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इन्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, यहां से कट गया, ये मैथ्स का रिजल्ट है। अब नॉन मेडिकल काम शुरू है, मैथ्स का रिजल्ट है 1 माइनस कॉस थीटा का मैथ्स में फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे भी और ऊपर भी अप्लाई कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया और ये टर्म आ गई, ठीक मैथ्स में। और वैसे भी हम एक रिजल्ट करेंगे, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम नहीं तो 10-15 बार प्लस वन प्लस टू में यूज करेंगे। अब मेडिकल नॉन मेडिकल याद करना चाहते हैं याद करें, समझ चाहते हैं समझें। अगर आपके एंगल्स बहुत छोटे हैं, स्मॉल, बहुत छोटे, बहुत छोटे, तो साइन ऑफ थीटा छोटा एंगल को अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है थीटा। ऐसा क्यों, जैसे बहुत छोटे का मतलब 0.000001,
अब देखो ना, ये तो अप्रोचिंग टू जीरो ही हो गया, तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो। अब अगर ये जीरो होता तो आंसर जीरो ही हो जाता, और अगर ये साइन ऑफ 0.001 है तो भी अप्रोक्सीमेटली जीरो तो लिखना अच्छा नहीं लगता, 0.001 ही लिख देते हैं। तो इसलिए जब एंगल्स बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख दिया जाता है, और अगर एंगल छोटे हैं कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाता है? अगर ये एंगल अप्रोचिंग टू जीरो हो जाए, कॉस जीरो क्या होता है? वन, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या लिखी जाती है? वन। ये शॉर्टकट बहुत जगह यूज होने वाले आने वाले टाइम में। अगर एंगल छोटे हैं तो साइन थीटा सिर्फ थीटा, और अगर एंगल छोटे हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वन। अब मेरे को कैसे पता लगा एंगल छोटे हैं? क्योंकि हम एक चैप्टर करेंगे पीरियोडिक मोशन, उसमें पेंडुलम पढ़ाए जाते हैं बहुत डीपली, SHM चैप्टर है। SHM के अंदर ये रिजल्ट है कि पेंडुलम्स की डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी मानी जाती है, इसलिए। और वैसे भी आपके चार ऑब्जेक्टिव के अंदर साइन कहीं दिख भी नहीं रहा, तो ये तो +2 +1 के स्टूडेंट को पता ही होता है, अगर साइन उड़ा रखा है तो यानी कि एंगल बहुत छोटा है। तो ये साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली ये लिख लिया, θ1/2, θ0/2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को छोटे m से डिवाइड कर दिया, तो 1 -m/m ये टर्म आ गई। आपको इसमें कैपिटल M निकालना है, वैसे तो ये काम कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल M निकाल लेना, लेकिन मैंने एक और प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो शायद प्रॉपर्टी आप लोगों ने सुनी होगी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। सुने तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी है कि अगर ए बाई बी की रेशियो सी बाई डी के इक्वल गिवन है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहता है कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी, तो इसकी रेशियो भी बराबर रहेगी। ये रूल है मैथ्स का, अगर ये रेशियो बराबर है तो ये रेशियो भी बराबर है। तो मैंने इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, कैसे? दिस अपॉन दिस प्लस दिस न्यूमिनेटर में, और दिस माइनस दिस डिनोमिनेटर में, और ऐसी θ1 + θ0 न्यूमिनेटर में, θ1 - θ0 डिनोमिनेटर। तो 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया, तो आपके पास सॉल्व करके ये रेशियो आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल एम निकाल लेना, ऑप्शन मार्क कर लेना। ये कैलकुलेशन मेडिकल में तो नहीं आ सकती, लेकिन साइन और कॉस का कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, और नॉन मेडिकल में तो आई हुई है, तो मैं ये कह नहीं सकता कि नहीं आएगी, तो आ गई। ये पेपर में ऐसा है ना, अभी ना ये अभी तुम अभी छोटे हो, अभी इतना नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम बहुत सारा मैथ्स कर लोगे, 2 साल 1.5 साल, मैथ्स की बहुत एप्लीकेशंस हैं, तो तुम्हें इन चीज़ों से डर तुम्हारा काफ़ी ख़त्म हो जाएगा +2 में जाते जाते, अभी तो नहीं होगा, लेकिन आपने देख रखा है, जब ये दूसरी बार करवाया जाएगा, जब ये तीसरी बार करवाया जाएगा, जब ये चौथी बार करवाया जाएगा, छप जाएगा, देखते ही बता दो कि इसमें ऐसे करना है। पहली बार तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा ना यार, पहली बार तो मैंने भी अपने हाथ से सॉल्व किया, आपके सामने ही है यार, मैंने पहली बार सॉल्व किया, मैंने कभी किया भी नहीं वैसे सॉल्व, तभी मैंने अपना पेन को हाथ लगाया आज, तब तो मैं सामने स्कैन करके लाया हूँ, मैंने भी सॉल्व किया। अब मैं ये मैंने अपने हाथ से कर लिया ना, अगली बार कोई डाउट पूछेगा, हो गया ना प्रैक्टिस, दूसरे बैच में पढ़ाया, आज फिर पढ़ाया, लिखा भी, दिमाग लगाया, 3 बार हो गया ना, दिन में 3 बार हो गया, चौथी बार तुम जब मर्जी अगले साल आ जाना, तब भी बता दूंगा इसको ऐसे करना है, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो मेरा काम है। ठीक, किसमें? नहीं कुछ मत करो तुम ना एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इसे, कैपिटल एम निकाल लेना, कोई भी रेशियो लिख लो, उस पर लगा के देख लो, आंसर सेम आएगा। टू बाई फोर इक्वल टू क्या? बराबर है रेशियो 2/4 6/8 की? कैसे बराबर है? वो रेशियो गलत है, ए बाय तभी आंसर आएगा ना यार, इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू मीन रेशियो बराबर। ठीक है चलो, मतलब अभी मुझे इतना पता है यार, डाउट आना था ये, कभी ऑब्वियसली 2019 मैंने बोला आपको, टफ पेपर था तो डाउट आना था ये, तो मैंने कहा चलो डिस्कस ही कर लें। और नेक्स्ट होमवर्क है, होमवर्क लिखो ऐसे, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसमें आपका काफी टाइम लगने वाला है, ये देख लो।
देखो अब मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो टेढ़े हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस ये होमवर्क है आपका, जब हमने कोलिजन का कॉन्सेप्ट कर लिया नॉर्मल आपसे हो जाएंगे या हो जाने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन जहाँ 100% अटकना ही अटकना है सिर्फ वही डिस्कस हो रहा है, तो ये ना सोचना कि पेपर का लेवल ऐसा हो गया। पेपर का लेवल ऐसा नहीं है, हम क्वेश्चन ही वो उठा रहे हैं जो आप डाउट की फॉर्म में पूछने वाले हैं, बाकी नॉर्मल छोड़ दिए। तो आप घर जाके करेंगे तो नॉर्मल लिखेंगे बाकी सारे। देखो मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, आप उलझ जाएंगे इसमें थीटा थीटा, 15-15-20 अगर कोई करना चाहेगा 20 मिनट से पहले उठेगा नहीं, नेट खोलेगा, यूट्यूब पढ़ेगा, टीचरों का लेक्चर सुनेगा, सोल्यूशन देखेगा, तभी समझ में नहीं आएगा। 20-25 मिनट लग जाएंगे एक क्वेश्चन में, तो कम से कम वो क्वेश्चन आपका 3-4 मिनट में ख़त्म होता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, 2018-19 सबसे टफ है, मैंने बोला था आपको, पर ये इतना टफ नहीं है, ये आसान है। वो कह रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट इफ न्यूट्रॉन सफर्स एन इलास्टिक कोलिनियर कोलिजन विद ड्यूटेरियम एट रेस्ट, टक्कर होगी न्यूट्रॉन के ड्यूटेरियम के साथ, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी PDA। और हमें तो 1D कोलिजन में फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला पता है, कितना 4K/1+K का होल स्क्वायर ये लगेगा। फिर अगली टक्कर किसकी हो रही है, न्यूट्रॉन की किसके साथ, कार्बन के साथ, फ्रैक्शन लॉस निकालना है। तो दो डायग्राम ऐसे बनेंगे, सॉल्यूशन मत देखना। पहला डायग्राम ऐसा बनेगा, न्यूट्रॉन का मास क्या है m, और ड्यूटेरियम का क्या होता है ट्वाइस होता है तो 2m। अब यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 2, फ्रैक्शन लॉस बोलो क्या होगा 4K/1+K का होल, तो k को क्या पुट करेंगे 2 आंसर। ये तो एम ही सॉल्व करे जा रहे हैं बैठ के, हमें तो फॉर्मूला ही आता है, जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरी टक्कर क्या है, एम के न्यूट्रॉन की कार्बन के साथ, कार्बन का मतलब क्या है 12m, 12m का मतलब k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12। तो फिर इस फॉर्मूले में k को 12 पुट कर देना, एक सेकंड में आंसर आएगा, आंसर सही है। तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एम ही नेट पर सॉल्व किए हुए हैं, जरूरत क्या है, आप सीधा ही शॉर्टकट मारो 4K/1+K का उस पर आंसर है, यहीं से उठाया, चिंता क्यों कर रहे हैं, अब मेडिकल में डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क है, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, उल्टा हमने इससे मुश्किल क्वेश्चन कर लिया, हमने तो 4-4 वेक्टर सॉल्व किए अभी, ये तो 2 ही दे रहा है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे करना है, एक्स और वाई का मोमेंटम इक्वेट करना है, घर जाके होमवर्क करना है, ऐसे तो किया ना आज हमने, ऐसे क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये ना होने वाला आपसे, ये कर लो, ये पक्का डाउट। देखो ये उन लोगों की बात हो रही है जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ नहीं ना उसको फर्क ना पड़ता, करवाओ ना करवाओ तो कहता है यार ठीक है सब ठीक है, ठीक है। तो ये लोग अटकेंगे यहाँ पे, कहीं टक्कर गया तो अटकेंगे ये, और ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए वैलिड है।
मेथड देख ले फिर रिलेट कर लेना। क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन आता है विद द स्पीड ऑफ वी, वो टक्कर मारता है किसे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किस में बैठा हुआ है? ग्राउंड स्टेट पे, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है? n इज इक्वल टू वन के ऊपर आराम कर रहा है। इसने मारी टक्कर, न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को मारी टक्कर, और ये क्वेश्चन गलत है। इस पे लिखो परफेक्टली इन इलास्टिक, चिपक गया, परफेक्टली इन इलास्टिक लिखो इसमें, गलत है ये, इन इलास्टिक नहीं है, ठीक है। तो m मास आया, m मास को टक्कर मारता है, चिपक गए। अब जब चिपका तो कॉमन वेलोसिटी से ये मूव करते हैं दोनों, मतलब न्यूट्रॉन तो मूव करता करता है साथ में इलेक्ट्रॉन भी लेके एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया हायर शेल में, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 कहीं पर भी, और हो सकता है अगर ज़्यादा ही जोर की टक्कर हो गई तो आयनाइज ही हो गया, सारे एटम छोड़ के भाग गया, ये भी तो हो सकता था। अब मुझे नहीं पता कहाँ गया, पर कुछ तो हुआ ही है। पहले तुम कॉमन वेलोसिटी निकाल लो, टक्कर से पहले न्यूट्रॉन का ये रहा एम इन टू वी, टक्कर के बाद दोनों चिपक गए तो वी डैश, कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई? वी बाई टू, क्लियर है यहाँ तक। अब तुमने क्या निकालना है? तुम्हें ये बताना है कि मिनिमम, ये वर्ड मिनिमम बड़ा जरूरी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी न्यूट्रॉन की? हाँ बिल्कुल, जिससे कि ये बिल्कुल बोहर मॉडल लगेगा। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, दोनों ऊपर जा सकते हैं, पर मेरे को मिनिमम एनर्जी बतानी है न्यूट्रॉन की। अब मिनिमम से मिनिमम केस क्या हो सकता है? देखो वैसे केस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बैठा था इक्वल टू वन पे, वो टू पे एक्साइट हो सकता था, थ्री पे भी हो सकता था, फोर पे भी हो सकता था, आगे भी हो सकता था, बाहर भी भाग सकता था, पर तुम्हें मिनिमम केस है तो तुम वन से लेके कहाँ शिफ्ट करवाओगे? सिर्फ टू पे, बस वन से टू मिनिमम है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर मिनिमम केस हो नहीं पाएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन एनर्जी ज़्यादा दी थी, तो मिनिमम में एन इक्वल टू वन से टू तक एक्साइट हुआ। अब यहाँ देखो, देखो तो इसके अंदर न्यूट्रॉन जब आया कोलिजन से पहले, न्यूट्रॉन की ये एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, फिर न्यूट्रॉन ने टक्कर मारी इलेक्ट्रॉन को, कंबाइंड सिस्टम का मास 2m है, कंबाइंड वेलोसिटी v बाई टू है, तो न्यूट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लूज किया है, न्यूट्रॉन ने अपनी एनर्जी इतनी लूज कर दी माइनस करके। अब ये लूज नहीं की, ये वो इलेक्ट्रॉन को दे बैठा है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? एक्साइट हो जाए। तो ये जो एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट पे इनिशियल एनर्जी कितनी है? -13.6/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल एनर्जी कितनी है? -13.6/2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये एनर्जी का डिफरेंस आएगा, और चेंज इन एनर्जी कितनी है? फाइनल में से इनिशियल क्या कर दें? माइनस। तो माइनस करके आपके पास जो आएगा वो ये आएगा 10.2। जब माइनस कर लोगे आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब ये जो एनर्जी आई, ये लॉस ऑफ एनर्जी आई, जो लॉस नहीं हुआ वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो ये एनर्जी 10.2 के इक्वल है। पर हमने तो हाफ एम वी स्क्वायर निकालना था, क्योंकि न्यूट्रॉन की इनिशियल एनर्जी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर, और हमने क्या निकाल दी? 1/4 mv², तो 2 को यहाँ ले जाओ, 10.20.4 इज दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, लॉस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी हुई, लॉस इतना हुआ, वो लॉस नहीं हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को दे बैठा, तो फिर हाफ एम वी स्क्वायर ये रहा, 2 निकाल दो, 4 को 2 × 2 लिख दो आंसर। वैसे बता दूं, आप टेंशन ना लें कि हमसे ये भी पूछा जाएगा, नवंबर मंथ में आपको +2 में सिखाई जाएगी मॉडर्न फिजिक्स, बोहर मॉडल की बहुत डिटेल। तुम केमिस्ट्री में सिर्फ ये सीखते हो 13.6/1² -13 की एनर्जी कितनी है किसी शेल में, क्यों इलेक्ट्रॉन क्या फ्री में एक्साइट हो जाते हैं? कैसे एक्साइट हुए भाई? फिजिक्स लगती है, अल्फा पार्टिकल आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में ये सिखाते हैं, अल्फा पार्टिकल आया, उसे इलेक्ट्रॉन को हिट किया और एक्साइटमेंट हो गई। तो तुमने केमिस्ट्री एक्साइटमेंट सीख ली, पर तुमने मोमेंटम कंजर्वेशन फिजिक्स से सीखा, तो ये पिक्चर जोड़ दी जाएगी +2 में, केमिस्ट्री और फिजिक्स की इकट्ठा चलेगा। ऐसे है जैसे ये छोटा सैंपल है, तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये +2 का टॉपिक है, +2 में ऐसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं, पर डाल उसने इसमें दिया तो मैंने भी करवा दिया, मैंने कहा डाउट तो पूछने आओगी, ठीक है यहाँ तक। तो बाकी तो चलो ठीक है, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। होमवर्क है? नहीं, ये वाला होमवर्क नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब अलग क्वेश्चन है। देखो ये भी डाउट आएगा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ श्योर शॉर्ट जो डाउट की फॉर्म में आने आने हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी आसान है,
आसान वाले होमवर्क है, ये लो। ये क्वेश्चन है कि ये पिलर्स हैं, दो धागा लगा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेना, वैसे बता ही रहा हूं मैं तुम्हें। हर बीड, ये बीड्स हैं, दूर दूर पड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं। हर बीड का रेडियस r है, तो डायमीटर 2r है। तुमने पहले बीड को वेलोसिटी v दे दी, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। अब क्योंकि इनकी टक्कर हुई, मास बराबर है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो जब तुमने इस फर्स्ट को वेलोसिटी दी v, ये रेस्ट पे है, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v, ये रेस्ट पे आ जाएगा। फिर ये आगे गया, इसने इसको टक्कर मारी, इसने आगे वाले को वेलोसिटी v दी, खुद रेस्ट पे आ गया, फिर वेलोसिटी इंटरचेंज है। फिर इसने इसको टक्कर मारी, वेलोसिटी v है, इसने इसको टक्कर मारी, वेलोसिटी v दे दी, इसने दीवार को टक्कर मारी। दीवार को जब टक्कर मारी, इलास्टिक कोलिजन है, v से टक्कर मारी, v से वापस आ गया बीड। अब उल्टी गेम स्टार्ट हो गई, ये बीड फिर से वी से वापस आया, इसने इसको टक्कर मारी वी, इसने इसको टक्कर मारी, वेलोसिटी वी दे दी, इसने इसको टक्कर मारी, वेलोसिटी वी, और घूम फिर के कोलिजन वापस आ गई, और ये बीड पहला भी वी के साथ मूव करेगा। इस पूरे प्रोसेस में कुछ समय लगा, है ना, तो लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम लगा वेलोसिटी चेंज होने में। तो एक पिलर पे एवरेज फोर्स क्या लगी इस दौरान, ये बताओ, ये क्वेश्चन है। इस खंभे पे फोर्स लगी होगी, अब इस खंबे को मारा किसने, सिर्फ एक बीड ने, तो एवरेज फोर्स क्या होगी, टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, एक बीड गया एम वी, वापस आया माइनस एम वी, टोटल चेंज इन मोमेंटम 2mv किया था हमने कोलिजन में, तो टोटल चेंज कितना 2mv, और टोटल टाइम कितना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस बाय वी क्या है, टोटल टाइम है। तो वेलोसिटी तो स्पीड तो वी है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया पूरे प्रोसेस में, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है एल, बीड का, बीड के बीच में जो गैप है सिर्फ वो लेना है डिस्टेंस। तो सोचो ये गैप कितने है, ये डायमीटर कितना है 2r, वो नहीं लेना क्योंकि गैप लेना है। तो ये 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, ऐसे n नंबर ऑफ बीड्स हैं, तो टोटल डिस्टेंस l है, l में से डायमीटर कितने 2r, और ऐसे कितने बीड्स हैं n, इसे माइनस कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया, जो स्पेसिंग का डिस्टेंस है बस वही आ गया, जाते हुए और आते हुए इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो एल में से 2r एन टाइम माइनस कर दिया, जाने का और आने का ट्वाइस हो गया, स्पीड तो वी है, आंसर मार्क कर लेना आंसर। अब ये तो टेड है, आसान नहीं है, पता लग गया आसान है, पेपर में आएगा तो बहुत मुश्किल है, नया क्वेश्चन आ गया तो बहुत मुश्किल है, सीधी बात है, हाँ आ गया तो ठीक है।
नेक्स्ट है, बस ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।